Hello everyone, in this video I will tell you how to prepare for English section any competitive exam. बहुत सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं और उन्हें लगता है कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, तो उनके लिए मैंने यह वीडियो बनाया है जिसमें बेसिकली हम इंग्लिश को तीन सेक्शन में डिवाइड करेंगे. आपको अपनी प्रिपरेशन को तीन सेक्शन में डिवाइड करके चलना है. अगर मैं ग्रामर की बात करूँ तो कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो हमें आने चाहिए, अगर हमें एसएससी सीजीएल, अगर हमें इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओएआरओ, अगर हमें आरबीआई, देन एसबीआई, एलआईसी, आरआरबी, आईबीपीएस जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो कौन कौन से वो टॉपिक हैं. चलिए हम लिस्ट बना लेते हैं और आप भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए. वी हैव, इसके तीन तीन इसके पार्ट होते हैं, जैसे ग्रामर, वैकबुलरी, प्रैक्टिस सेट. वी हैव, ग्रामर में कौन कौन से हैं, तो वी हैव नाउन्स, वी हैव प्रोनाउन्स, वी हैव वर्ब, बेसिक एंड एडवांस, ये वर्ब में दो आते हैं, एग्जेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, देन इंटरजेक्शंस, वाइस, नरेशंस, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल सेंटेंस, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस. ये ग्रामर के बस इतने ही पार्ट होते हैं और हमें इतना ही प्रिपेयर करना है एक एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए. वैकबुलरी में कौन कौन से हैं, तो एंटोनियम्स जिसे हम अपोजिट मीनिंग कहते हैं, विपरार्थक शब्द कहते हैं, और सिनोनिम्स जिसे समानार्थी शब्द सेम मीनिंग कहते हैं, एडम्स एंड फ्रेज मुहावरे एवं लोक्तियां होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस. आपको बहुत लंबा सा सेंटेंस दिया होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, उसे उस सेंटेंस को एक जगह लिखना होगा, एक ही वर्ड में लिखना होगा उस सेंटेंस को. फ्रेजल वर्ब, इसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के एग्जांपल हैं, टू ऑफर एन ओपिनियन, किसी को सलाह देना, मतलब इसका एक वर्ड में अगर हम लिखें तो एडवाइस, बस इतना ही लिखना होगा. और फ्रेजल वर्ब प्लस अ प्रीपोजिशंस, इसमें वर्ब और प्रीपोजिशंस लगाना होगा. कॉमनली कन्फ्यूजिंग प्रेयर्स, इसमें क्या है, दो वर्ड हमें देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग है. फॉर एग्जाम्पल ले एंड लेज, ये तो हो गए वैकबुलरी के पार्ट, हमें इतना सा बस वैकबुलरी तैयार करना है. प्रैक्टिस में हम आ जाते हैं, तो प्रैक्टिस में हमें क्या करना होता है, तो प्रैक्टिस में सबसे पहले है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट. एक सेंटेंस दिया है और आपको और अच्छा बनाना है उस सेंटेंस को, ये तो होता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट. क्लोज टेस्ट क्या होता है, तो क्लोज टेस्ट में आपको पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज में बीच में खाली स्थान होगा और उसी को हमें फिल करना है. रीडिंग कंप्रेहेंशन, ये क्या होता है, आपको पैसेज दिया होगा, उस पैसेज के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये तो हो गया रीडिंग कंप्रेहेंशंस. पैराजेंबल क्या होता है, तो पैराजेंबल सेंटेंस दिया होगा और उस सेंटेंस को हमें अरेंज करके एक पैराग्राफ बनाना होगा, ये तो हो गए हमारे पैराजेंबल्स. कॉमन इरर क्या होता है, तो कॉमन इरर में सेंटेंस दिया होगा, उसमें से हमें इरर निकालना है, करेक्शन करके लिखना है, बताना है. फ्रेजल वर्ब क्या होता है, तो फ्रेजल वर्ब दिया होगा और आपको एक अच्छा सा फ्रेज बनाकर लिखना होगा, बस इतना सा ही प्रैक्टिस सेट में हमें करना है और कुछ भी नहीं कर, बस इतना सा आप कर लीजिए, आपका पूरा ग्रामर कंप्लीट हो गया और आप कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं. ओके, अगर आपको अच्छा लगा तो फिर थैंक यू. जय हिंद.